चालबाज ड्रैगन हमेशा अपनी गीदड़ भभकी के लिए जाना जाता है और भारत को आंख दिखाता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर भारत ने एक महत्वपूर्ण जलमार्ग वाला रास्ता अचानक से रोक दिया तो उसी समय चीन में मौजूद अधिकतर व्यापार ध्वस्त हो जाएगा। जी हाँ, दरअसल चीन का अधिकतर कारोबार जिस हिंद महासागर में मौजूद रास्ते से गुजरकर चलता है उसका नाम है मल्लिका जलसंधि जलमार्ग, जिसकी वजह से ही चीन अपने कारोबार और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है। अगर भारत ने इस रास्ते को रोक दिया तो चीन की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तो चलिए हम आपको चीन की इस कमजोर कड़ी के बारे में विस्तार से बताते हैं। चीन का ज्यादा कारोबार जिस हिंद महासागर के रास्ते से होता है उसका नाम है मल्लिका जलसंधि जलमार्ग। समुद्री मार्ग में मौजूद है ये रास्ता, जो 800 किलोमीटर लंबा है और 2.8 किलोमीटर है चौड़ा। चीनी अपने कारोबार और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इसी मल्लिका जलसंधि जलमार्ग पर है निर्भर। चीन अपनी जरूरतों के लिए कच्चा तेल खरीदता है, जिसका अधिकतर हिस्सा वह वेनेजुएला और अंगोला जैसे देशों में करता है आयात। सप्ताह भर बंद रहने से ही चीन की समुद्री यातायात की लागत 6.40 करोड़ डॉलर तक बढ़ जाती है। रास्ते के बंद होने से चीन को एक साल में 200 अरब डॉलर तक की अतिरिक्त लग सकती है चपत। चीन की इंडस्ट्री कई कारखाने इसी जलसंधि से होकर आने वाले जहाजों पर करते हैं निर्भर। इस मार्ग पर भारत का नियंत्रण चीन को गहरी चोट पहुंचाता है, इसीलिए डरता है ड्रैगन। दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक समुद्री मार्गों में से भी है एक, जबकि यहां पर 75,000 जहाज हर साल गुजरते हैं। यह रास्ता हिंद महासागर में स्थित अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। चीन के लिए मल्लिका जलसंधि मार्ग बहुत बड़ी चिंता, जिसका उल्लेख चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हु जिनताओ ने भी किया था। मल्लिका जलसंधि के निचले हिस्से में सिंगापुर बसा है, जिसकी अमेरिका से काफी है दोस्ती। सिंगापुर की मदद से अमेरिका भी इस जलसंधि के पूर्वी हिस्से को कर सकता है बंद। ऐसे में चीन पर हो सकती है दुगनी मुसीबत। InstaFeed.